प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण रविवार 30 अप्रैल को होगा। इस अवसर पर ऐतिहासिक रूप देने के लिए भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंडीगढ़ में भी भाजपा द्वारा ऐतिहासिक रूप दिया जाएगा। पार्टी द्वारा शहर के सभी शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा लगभग 250 सार्वजनिक जगहों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, जिनमें पंजाब राजभवन, हरियाणा राजभवन, बुड़ैल सेंट्रल जेल, रॉक गार्डन, अलांटे मॉल, सुखना लेक आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा हजारों लाखों की संख्या में लोग घरों से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। इसे तरीके ना भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ ने भी यह निर्णय लिता है कि जिहड़े 597 बूथ ने चंडीगढ़ के पोलिंग बूथ ने उन्हां पोलिंग बूथों के उत्ते 597 पोलिंग बूथों नूं असी कलस्टर्स दे विच एक शक्ति केंद्र मानते हैं। 3 तों 5 बूथों का लगभग 170 ऐसे शक्ति केंद्रों के उत्ते 100 तों अधिक लोग इकट्ठे होकर शहर के विच उस दिन मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण देखेंगे। इस तरीके दे नाल लगभग जड़े है 250 कार्यक्रम जड़े है 250 जगह दे उत्ते शहर दे विच जड़ा है इस प्रसारण नूं देखिया जाएगा समूहिक रूप दे नाल। इंडिविजुअली तो बहुत लखां दी तादाद दे विच लोग देखणगे, लेकिन समूहिक रूप दे विच जड़ा हैगा वह लगभग 250 स्थानां दे उत्ते मन की बात का प्रसारण जड़ा है लोकी देखणगे। राजभवन दे विच भी मैं एक बारी डिटेल दस दिंदा, जिस तरह मैं दस्सिया कि शक्ति केंद्रां दे उत्ते 170 शक्ति केंद्रां दे उत्ते मन की बात का प्रसारण पार्टी अरेंज कर रही है। इस तरीके ना मन की बात का जिहड़ा प्रोग्राम शहर दे विच प्रमुख होर स्थानां ते होएगा। सेंट्रल जेल जिहड़ी बुड़ैल जेल है उत्थे भी जिहड़े कैदी ने इकट्ठे होकर मन की बात का प्रसारण देखेंगे। हरियाणा राजभवन, पंजाब राजभवन, निटर चंडीगढ़, सुखना लेक, रॉक गार्डन, अलांटे मॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मैं कुछ प्रमुख स्थानों का नाम लिता जिथे समूहिक रूप दे नाल असी व्यवस्था कर रहे हैं या होर संस्थावां या सरकारी अदारे इस चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं कि मन की बात का 100th एपीसोड जिहड़ा है उहदे प्रसारण नूं लोकी देखण। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि पूरी दुनिया में यह पहला उदाहरण है जहां किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर महीने लोगों से सीधा संवाद करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई द्वितीय उदाहरण नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के मन की बात से लोगों में उत्साह बढ़ता है तथा राष्ट्रभक्ति की भावना आती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम एक जन आंदोलन है। इस माध्यम से वह देश के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। देश के लीडर होने के नाते उनका काम काबिले तारीफ है। मोदी ने दिखाया कि संचार के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन से लोगों को रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है। वे लोगों को बताते हैं कि आपका नजरिया क्या है, फ्यूचर में लोगों का सपोर्ट कैसे हासिल करना है। मन की बात में ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात होती है। अरुण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात से लोग देश की प्रोग्रेस और सरकार की वर्किंग को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले लगभग 9 साल तो 2014 तो जदों तो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम आरंभ किया मन की बात। और मन की बात का जो कार्यक्रम है वो मैं समझदा हूँ कि इस तरीके का एक कार्यक्रम है कि जिहदी दुनिया भर के कोई मिसाल नहीं। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष जिहड़ा है अपनी जनता दे नाल लगातार हर महीने रूबरू हुंदा है गैर राजनीतिक मुद्दों पर। इस तरह का इतिहास मेरे ख्याल इस तरह का अनूठा एग्जाम्पल जिहड़ा है पूरी दुनिया भर के नहीं है। मन की बात दे विच नरेंद्र मोदी जी समय समय के उत्ते देश दे जिहड़े लोगों का योगदान है, चाहे वह कोई छोटा भी व्यक्ति सी, उसकी सराहना करते रहे ने, उसका जिक्र करते रहे ने। और होर भी जिहड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीगे उन्हां दा भी उन्होंने उस दे विच जिक्र किया। और लोगों की फीडबैक भी लगातार जिहड़ा मन की बात का पोर्टल है उत्थे लोग अपनी फीडबैक देंदे सी कि प्रधानमंत्री अज मन की बात दे विच की जिहड़ा है वह मुद्दे नूं लैणगे। और इस तरीके दे नाल चंडीगढ़ का भी
इन्हें एपीसोड्स दे विच 3 वारी जिगर आया। एक संजय राणा करके राम दरबार दे विच व्यक्ति रहिंदे ने हिमाचल दे, वो छोले भटूरे दा जिहड़ा हैगा वो अपना साइकल दे उत्ते वेचदे, और उन्होंने एक अनूठा अपने बच्चों की प्रेरणा दे नाल, अपने छोटे बेटे और बेटी की प्रेरणा दे नाल, एक कोविड के दौरान वैक्सीनेशन नू प्रमोट करन दे लई जिहड़ा व्यक्ति वैक्सीनेशन लगा के आके उहदी डोज दा उहदा कन्फर्मेशन दिखाएगा SMS द्वारा, उन्होंने फ्री छोले भटूरे खिलाएंगे। गरीब व्यक्ति का कोविड के लोगों को वैक्सीनेशन लिए प्रेरित करना, वह प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और असी जाके उन्होंने सन्मानित भी किया। इस तरीके ना स्वर्गीय सरदार मिल्खा सिंह जी का भी जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने योगदान जोड़ा है उसका भी उन्होंने अपने मन की बात दे एपीसोड दे गलबात की। और तीसरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम संधु जी ने, उन्हां दी ट्रस्ट ने एक उपराला किया, 16 सैक्टर के स्टेडियम दे विच एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सी वेविंग फ्लैग का, उसका भी जिक्र जिहड़ा मन की बात दे विच किया। इस तरीके दे नाल बहुत सारे जिहड़े ऐसे समाज दे विच ऐसी अंदोलन, ऐसी कैंपेन्स, चाहे वह स्वच्छ भारत होवे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होवे, या इस तरीके दे जिन्नियां भी सरकार दीयां स्कीमां सीगियां, सरकार दी कैंपेन सीगियां, उन्हां दा भी जिगर और उन्हां दे विच लोगों की पार्टीसपेशन जिस तरीके की रही वो जिहड़ा है उसका भी उन्होंने बार बार जिगर किया और उहदे नाल होर लोगों नूं प्रेरणा मिली। 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ। सरकार के प्रति आम भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, एक सर्वे के अनुसार 63% लोगों का रवैया सरकार के प्रति पॉजिटिव हुआ है। 59% लोगों को लगता है कि उनका भरोसा सरकार पर बड़ा है। 55% लोगों ने कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। 58% श्रोताओं ने कहा कि उनकी लिविंग कंडीशन में सुधार हुआ है। सूद ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को देश के 100 करोड़ नागरिकों ने कम से कम बार सुना है। वहीं 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। इस खास उपलब्धि पर सरकार की ओर से 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। इस सिक्के में माइक्रोफोन के साथ मन की बात 100 लिखा होगा और यह 4 धातुओं से बना होगा। रोहतक IIM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक सर्वे किया सी जिसके मुताबिक मन की बात दे लगभग 96% देश की जिहड़ी जनता है वह मन की बात दे प्रति अवेयर है। उन्होंने पता है कि देश के प्रधानमंत्री है, लोगों नू हर महीने के आखिरी रविवार 11 बजे संबोधित करते हैं। और इस तरीके 100 करोड़ तो ज़्यादा लोगों ने मन की बात का कार्यक्रम सुनिया और 23 करोड़ लोग जड़े ने वो मन की बात का कार्यक्रम नियमित रूप में देखते या सुनते हैं हर महीने। इस तरीके समाज के जोड़े सकारात्मक प्रभाव पे ने, 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने में रुचि दिखाई, 55% ने कहा कि असी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक के नाते सानू प्रेरणा मिली, 63% लोगों ने फील किया कि सरकार जिहड़ी है और सकारात्मक दृष्टि दे नाल काम कर रही है, 59% जिहड़े लोग ने उन्हां दा सरकार ते भरोसा वध्या और 58% ने मन की बात प्रोग्राम देखण तो बाद उन्होंने अनुभव किया कि उन्हां दे जीवन दे विच बदलाव आया, 73% सरकार दे कामकाज और देश दी प्रगति बारे जिहड़ा है आशावादी उन्होंने महसूस किया। इस तरीके नाल जिहड़े विषय उन्होंने लिते ने देश दे विज्ञानिकां दी उपलब्धियां दे जिक्र किया, आम नागरिकां दे जिहड़ा जिहदे बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए कामों का भी उन्होंने जिक्र किया, साड़ियां जिहड़ियां सशस्त्र सेनावां ने बल ने उन्हां दी वीरता दे बारे, युवावां नाल संबंधित, महिलावां नाल संबंधित, पर्यावरण नाल संबंधित, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिहड़े ने उन्होंने वो मन की बात दे विच उन्हां दा जिक्र किया। और जिस तरह इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक दे सर्वे दे विच आया है कि यह बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम रहा है। मन की बात कार्यक्रम के अब तक के संस्करणों में प्रधानमंत्री ने लगभग 500 साधारण व्यक्तियों तथा 250 संस्थाओं का जिक्र किया, जिनमें लगभग 100 व्यक्तियों को दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।
तथा शेष को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। अरुण सूद ने यह भी दावा किया कि 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड रिकॉर्ड बनने वाला है तथा इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर राजनीति के पुरोधा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरकार प्रकाश सिंह बादल के निधन पर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अरुण सूद ने शहरवासियों से इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है। तो पहला तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी अकाली दल के पूर्व प्रधान उन्होंने पार्टी वालों अपनी श्रद्धांजलि दिना। एक बड़ा लंबा समय उन्होंने देश की पंजाब की राजनीति दे विच अपना योगदान दिता है और पंजाब दे नहीं देश नूं एक बहुत बड़ा नुकसान होया और असी अपनी श्रद्धांजलि दिंदे आ प्रकाश सिंह बादल उन्होंने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।